हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं बंगाल की एक बहुत ही फेमस सब्जी जिसका नाम है आलू पोस्तो। इसे बनाना बहुत आसान है और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज इस बंगाली आलू पोस्तो की रेसिपी को शुरू करते हैं। आलू पोस्तो बनाने के लिए मैंने लिया 4 मीडियम साइज के आलू। इसे मैंने धो के छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई लेंगे। आधी छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने मंगरेला यूज़ किया है, इसे कलौंजी भी कहते हैं और ये इजीली किसी भी ग्रॉसरी शॉप में मिल जाता है। 2 बड़ी चम्मच यहाँ पे मैंने पोस्तो यानी खसखस लिया है, इसे इंग्लिश में पॉपी सीड्स कहते हैं। 2 हरी मिर्च बीच से कटा हुआ। तेल हम लेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच। मैंने यहाँ पे सरसों तेल यूज़ किया है, आप चाहे तो दूसरा तेल यूज़ करें। हल्दी पाउडर 1/3 छोटा चम्मच और नमक हमें चाहिए स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें ये पोस्तो डाल दें, हरी मिर्च भी डाल दें। अब हम इस जार में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और जार का ढक्कन बंद करके हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहे तो पोस्तों को पहले से पानी में भिगो के रख सकते हैं, उससे इसे ग्राइंड करने में आसानी होती है। तो जार का ढक्कन बीच में एक बार खोल के चेक करें, ये देखिए ये अभी अच्छी तरह ग्राइंड नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पे पोस्तो थोड़ा सा लिया है इसलिए इसे ग्राइंड करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर आप ज़्यादा अमाउंट में बना रहे हैं तो ये आसान होगा। थोड़ा सा पानी वापस डाल दिया मैंने जार में और वापस जार का ढक्कन बंद करके हम इसे एक स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप पहले से पोस्तो या खसखस को पानी में भिगो के रखेंगे उसके बाद इसे ग्राइंड करेंगे तो इस पेस्ट को बनाना बहुत ही आसान होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भिगो के इसे ग्राइंड करें। और ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, तो इसे हम निकाल के एक बाउल में रख लेंगे और चलते हैं अगले प्रोसेस में, जहाँ पे गैस पे मैंने एक पैन गरम किया है। पैन को अच्छी तरह गरम हो जाने दें, फिर हम इसमें ये सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को हम अच्छी तरह गरम होने देंगे। अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है तो आप अपने पसंद का तेल यूज़ करें इसमें। जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें ये मंगरेला डाल दें, इसे कुछ सेकेंड्स के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। जैसे ही मंगरेला पक जाएगा गैस का फ्लेम हम लो मीडियम कर देंगे। अब हम इसमें ये कटे हुए आलू डाल देंगे, मिला दें इसे। और आलू को हम 2 से 3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे कवर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बिना कवर के फ्राई कर रही हूँ। और 2-3 मिनट बाद हम देखेंगे कि आलू जो है वो हल्का सा फ्राई हो गया है। तो हम यहाँ पे ये कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल दें, मिला दें आलू में। हल्दी पाउडर डालने के बाद हम आलू को और 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम या फिर मीडियम रखें और 2 मिनट बाद वापस हम ऐसे आलू को एक बार मिक्स करेंगे। और आलू जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो हम ये मसाला पेस्ट जो हमने बना के रखा है पोस्तो का वो डाल देंगे, मिला दें इसे। और ये हमने जो हमने पोस्तो का पेस्ट बनाया था उसे मिक्स कर दिया आलू में। अब हम नमक डाल देंगे, तो स्वाद के अनुसार नमक डालें यहाँ पे। नमक डालने के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, नहीं तो मसाले जो हैं वो जलने लगेंगे। मिला दें आलू को और ये मैंने नमक और मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर दिया आलू में। अब हम पैन को कवर करके इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे, तो पैन को कवर कर दें और लो फ्लेम पे हम इसे 6 से 8 मिनट तक पकने देंगे। और ये 8 मिनट बाद मैंने पैन का ढक्कन हटाया, इसे एक बार मिक्स करें और ये जो पोस्तो है वो भी अच्छी तरह पक गया है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे, तो मैं यहाँ पे ये आधे ग्लास पानी डाल रही हूँ, आप चाहे तो 1 ग्लास पानी यूज़ करें, जितना ग्रेवी आपको जैसा पसंद हो। और ये पानी को मिक्स कर दिया मैंने। अब हम पैन को वापस कवर कर देंगे और 6 से 8 मिनट तक फिर से पकाएंगे। गैस का फ्लेम इस बार लो मीडियम कर दें। तो ये 8 मिनट बाद मैंने पैन का ढक्कन हटाया, इसे एक बार मिक्स करें। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी वाली आलू पोस्तो खानी है तो आप गैस को यहाँ पे बंद कर दें अगर आलू पक गया है तो, और अगर आपको थोड़ी सी थिक ग्रेवी चाहिए तो हम वापस पैन को कवर करेंगे और 2 मिनट तक और पकाएंगे। और ये 2 मिनट बाद मैंने पैन का ढक्कन हटाया और देखिए ये मसाले जो हैं वो काफ़ी थिक हो गए हैं।
आलू भी पक गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैस को ऑफ़ कर देंगे और ये हमारा आलू पोस्त तैयार हो गया है। सर्व करने से पहले हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो सर्व करने के पहले इसके ऊपर हरी मिर्च काट के सर्व कर सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है तो। और यह हमारी बंगाली स्टाइल आलू पोस्तों की सब्ज़ी तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।